यही पूछ रही थी सर कि अनुज कहाँ पे हैं, आप उनको बुलाइए। हमने कहा सर जब हमें जानकारी नहीं है, हमें इतनी जानकारी है कि वो सूरत में है, तो हम आपको क्या बताएं वो कैसे लोकेशन दी कि कहाँ आए। इसी तरह पूछताछ की गई, टॉर्चर किया गया और 2 दिन तक थाना मोहनगंज में रखा गया था। इसके बाद से मुझे वहाँ रात में थाना धम्मौल शिफ्ट कर दिया गया। 14 दिन तक मैं अंडर कस्टडी धम्मौल में था, 2 दिन मोहनगंज, 16 दिन पुलिस के अंडर कस्टडी में था। सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारा गया। अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पिता धर्मराज सिंह ने बड़ा बयान दे दिया और बड़ा राज खोल दिया। दरअसल सोमवार की सुबह एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की ज्वाइंट टीम ने उन्नाव के अचलगंज के कोलुहागाड़ा के पास अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। बेटे के एनकाउंटर के बाद अनुज प्रताप सिंह के पिता ने बताया कि कैसे 16 दिन तक उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती हुई और अगले ही दिन यानी 29 अगस्त को पुलिस पिता को उठा ले गई। 29 तारीख को एसओ मोहनगंज राकेश सिंह हमारे दरवाजे पर आए। उस समय मैं घर पे मौजूद नहीं था, साहब वो मार्केट गया था। जब मुझे जानकारी हुई कि एसओ साहब आपके घर पे हैं, तो मैं घर पहुंचा। एसओ साहब से हमारी बात हुई, बोले कि आपके लड़के का नाम सुल्तानपुर डकैती में आ रहा है, ये फुटेज आई है, आपको मोहनगंज चलना पड़ेगा। मैं मोहन थाना मोहनगंज गया, वहाँ पर मुझे बिठा लिया गया और 2 दिन तक थाना मोहनगंज में रखा गया था। इसके बाद से मुझे वहाँ रात में थाना धम्मौल शिफ्ट कर दिया गया। 14 दिन तक मैं अंडर कस्टडी धम्मौल में था, 2 दिन मोहनगंज, 16 दिन पुलिस के अंडर कस्टडी में था। उस दिन पुलिस क्या पूछताछ कर रही थी 16 दिन का? यही पूछ रही थी सर कि अनुजय कहाँ पे हैं, आप उनको बुलाइए। हमने कहा सर जब हमें जानकारी नहीं है, हमें इतनी जानकारी है कि वो सूरत में है, तो हम आपको क्या बताएं वो कैसे लोकेशन दी कि कहाँ आए। इसी तरह पूछताछ की गई, टॉर्चर किया गया। 28 तारीख को जब ये घटना हुई, तब से अनुज कभी घर आए भी? नहीं सर, कोई लोकेशन नहीं, कोई फोन से बात नहीं। आखिरी बार कब बात? 28 अगस्त को सुबह बताता रहा हूँ, उसके बाद से कोई बात नहीं। आपको जानकारी तब हुई जब पुलिस ने आपको थाने में बैठा रहा? जी जी, जब पुलिस लेकर के गई तब जानकारी हुई। आज आप लोग को सुबह जब जानकारी हुई, उसके बाद आप लगातार देख ही रहे हैं कि इसमें जात वाली बात उठ रही कि एक तरफा एनकाउंटर। सर इसके पहले भी जब उनका मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, तो श्री माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी ने ये ट्वीट किया था कि यादव का ही एनकाउंटर क्यों, ठाकुरों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? अब तो ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। राजनीति चक्कर में हमारे लड़का हमारे हाथ से निकल गया। हम मुझे कमा के खिलाने वाला मेरा सहारा था, 22 साल का मेरा लड़का था, मैं कैसे किसके सहारे जीऊँ? शासन हमें बताए कि हमारे लड़के क्या दोस्त था, एक ही केस था। यहाँ 40 केस वाले सब घूम रहे हैं और हमारे बच्चे का सिर्फ एक केस था। सरकार को एक मौका तो देनी चाहिए थी उसको सुधरने के लिए, इससे ज्यादा अब क्या कहें सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में आपके बच्चे? हाँ, हमारा लड़का हमारे राजनीति का शिकार हो गया, दोनों लोगों की राजनीति, हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया। अनुज के पिता का कहना है कि डकैती कांड के बाद पुलिस उन्हें उठा ले गई और 16 दिन तक कस्टडी में रखा गया, टॉर्चर किया गया। एनकाउंटर से 1 दिन पहले भी पुलिस पहुंची और अनुज के बारे में पूछताछ कर रही थी और अगले दिन बेटे अनुज के एनकाउंटर की जानकारी मिली। अनुज प्रताप सिंह के पिता ने आरोप लगाया कि राजनीति के चक्कर में उनके बेटे को मार दिया गया। आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठटेरी बाजार में भरत सोनी ज्वेलर्स की यहाँ दिन दहाड़े करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया गया। इस डकैती कांड में अब तक 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 5 सितंबर को मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया, वहीं 23 सितंबर की सुबह अनुज प्रताप सिंह को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद उसका परिवार लगातार एनकाउंटर एक्शन पर सवाल उठा रहा है। उन्नाव से सूरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।